एल्विश यादव ने एक बार दोबारा से आशिका भाटिया पर निशाना साधा है। आपको बता दूं कि एल्विश और आशिका दोनों ही बिग बॉस के घर में एज अ वाइल्ड कार्ड आए हैं, एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री ले चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो भाई 2018-2019 की सबसे एपिक फाइट यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हुई थी, और उस दौरान उसी समय पर आशिका और एल्विश की एक फाइट भी हुई थी, जो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो इस बिग बॉस के घर में दोबारा से स्पार्क होती हुई दिख सकती है, क्योंकि आशिका ने भी वो पूरा का पूरा इंसिडेंट जो है विवेका को नरेट किया है। और वेल एज जब मनीषा और एल्विश और अभिषेक एक साथ बैठे हुए थे, तो उस दौरान एल्विश ने भी कुछ बातें बोली हैं आशिका को लेकर। आखिर क्या बोला है, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। आपको बता दूं कि यार एल्विश यादव यानी कि सिस्टम हैंग कर देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे, ये क्लियरली नजर आ रहा है इस बिग बॉस के घर में। जैसे अनुमन उनको 2 घंटे के आसपास हुआ है इस बिग बॉस के घर में आकर, लेकिन आते ही भाई ने पूरा तहलका मचा कर रख दिया है। लाइक पहले तो बेबिका को रोस्ट किया, पूजा को बड़ी मम्मी बना दिया, तो ये क्लियरली उनका जो अवतार है वो लोगों को पसंद आ रहा है बार। और ट्विटर पे तो ऑलरेडी अब छाए हुए हैं एल्विश और बवाल पूरा मचा दिया एकदम उन्होंने ऐसा देखा जाए तो। और वही अगर बात करें तो आशिका भी उनके साथ आई, आशिका पॉपुलर एक्ट्रेस ऑलरेडी सलमान खान के साथ एक मूवी भी कर चुकी है प्रेम रतन धन पायो। तो आशिका और एल्विश जो है वो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की लड़ाई में आमने सामने आए थे। बॉडी शेमिंग वाला इंसिडेंट आज बेबिका को एक्सप्लेन भी किया आशिका ने कि वेल इसने मुझे बॉडी शेम कर दिया था, मुझे भी 3-4 लोगों के साथ रोस्ट किया था और उसके बाद फिर भी मुझे पर्सनली बोली जा रहा था, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हेल्दी वे में लेती हूँ उन चीज़ों को। जिसके बाद मनीषा जो है वो अभिषेक के सामने प्रेडिक्ट करती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका बहुत तगड़ा झगड़ा होगा बेबिका के साथ, यानी कि आशिका और बेबिका का बहुत टफ झगड़ा या टफ फाइट होने की कॉम्पिटिशन है। लेकिन एल्विश जो है ऊपर, जब एल्विश से पूछा जाता है, मनीषा पूछती है कि तुझे आशिका कैसी लगती है, तो जिसके बाद एल्विश कहते हैं कुणी, कुणी मतलब कन्निंग कहते हैं अभिषेक जो एल्विश है। एल्विश का ये कहना है कि बेबी, माफी चाहता हूँ, एल्विश का ये कहना है कि आशिका जो है वो कनिंग है, कनिंग और बेवकूफ, ये दोनों शब्द जो है वो एल्विश ने इस्तेमाल किए हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या एक बार दोबारा से होने के चांसेस हैं ये आशिका भाटिया वर्सेज एल्विश यादव? आपको क्या लगता है हमें जरूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रही हमारे साथ यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।